आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आज पूरे देश में छठ पर्व के चारों तरफ धूम दिखाई दे रही है। बता दें कि छठ पूजा की शुरुआत आज नहाए खाए से हो चुकी है। छठ पूजा में संतान के स्वस्थ रहने, सफलता और दीर्घायु के लिए 36 घंटे का निजला व्रत रखा जाता है। ये व्रत महिलाओं पूरी निष्ठा के साथ रखती हैं। उत्तर भारत के खासतौर बिहार झारखंड के छठ पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर कई शहरों में नदी किनारे घाट बनाए जाते हैं जहाँ पर छठी मैया की पूजा की जाएगी। इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए देखते हैं। पर्व के निरीक्षण को साफ तौर पर देखने के लिए यहाँ पर एसीएम थर्ड जो निखिल चक्रवर्ती हैं, खुद मौके पर मौजूद हैं, जो कि पूरे छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। खास तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे स्थल का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह किसी भी तरह से लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो खासतौर पर देख सकते हैं एक एक पॉइंट्स चेक किए जा रहे हैं जो लगातार, क्योंकि छठ पर्व को लेकर खासतौर पर किस तरह से किसी लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े उसको लेकर खासतौर पे साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जिस तरह से पूरा निरीक्षण देख सकते हैं आप, किस तरह से किया जा रहा है। अधिकारियों को बताया जा रहा है खासतौर पे कि जो यहाँ पर छठ पर्व को लेकर जो भी गतिविधियां हैं उस पर खासा ध्यान रखा जाए। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से, देखिए ये एक नगर निगम के कर्मचारी हैं और लगातार कूड़ा उठा रहे हैं। उनसे एसीएम थर्ड निखिल चक्रवर्ती जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से यहां की व्यवस्था को देख रहे हैं अभी फिलहाल में। सर, आप यहां पर जायजा लेने के लिए आए हैं, निरीक्षण करने के लिए आए हैं, क्या कुछ आपके सामने व्यवस्थाएँ अभी अधूरी रह गई हैं जिनको पूरा करना बाकी है? देखिए, बस वही है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का सारे इंतजाम करे जा रहे हैं और आज शाम तक यहाँ पर ऑलमोस्ट घाट पूरा यहाँ पर आपका रेडी हो जाएगा। जैसा कि लोगों का कहना है कि पानी गंदा रहता है, उसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जाए इस बार की साफ पानी छोड़ा जाए जिससे कि लोग पूजा बढ़िया से कर पाए। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पानी छोड़ा जा रहा है, पानी बढ़ रहा है, जल्दी पानी आपका यहाँ तक आ जाएगा ऊपर तक, तो फिर ये भी इशू नहीं रहेगा इस तरह के। सर, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ गतिविधियाँ हैं? सर, ट्रैफिक को लेकर बात करने चाहे तो ट्रैफिक का किस तरह से डाइवर्जन किया गया इस बार? देखिए, इसमें क्या है कि मेन इशू ये है कि ट्रैफिक हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है कि जाम ना लगे, तो उस तरह का लगी देखा हुआ है और कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना होने पाए, इस तरह से रूट को प्रॉपरली यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। सर, जैसे कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि महिलाओं के साथ गलत मतलब बातचीत करना या किसी तरह से छेड़छाड़, तो इस तरह से पुलिस का क्या रिएक्शन रहेगा, पुलिस किस तरह से मुस्तैद की गई? इस तरह से पुलिस यहाँ पर पूरे टाइम यहाँ पर रहेगी और इस तरह की कोई भी घटना ना होने पाए उसकी पूरी यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। तो आप देख सकते हैं एसीएम थर्ड खुद मौके पर मौजूद हैं यहाँ पर, ये छठ पर्व का जो त्यौहार है खासा ध्यान में रखते हुए यहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों को ब्रीफ भी किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरत पाए। तो कहीं ना कहीं अब जो छठ पर्व है उसको लेकर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। शाम तक बताया गया है कि पूरी तैयारियाँ हैं, जो साफ सफाई है उसको पूर्ण पर्व को लेकर आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। ये वो छठ घाट है जहाँ पर छठ पूजा की तैयारियाँ जोरों शोरों पर चल रही हैं। साफ सफाई, रख रखाव जिस तरह से देख सकते हैं सफाईकर्मी सुबह से ही यहाँ पर मुस्तैद से लगे हुए हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन, शासन और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पर सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रेख में लगे पड़े हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये पीछे ऊपर पीसीआर खड़ी हुई है, जो जो पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है, बार बार यहाँ पर आकर निरीक्षण भी कर रहे हैं, बार बार यहाँ का जो जायजा है वो भी ले रहे हैं। खासतौर पे क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उसको लेकर खासतौर पे देख सकते हैं, ये वो नहर है जहाँ पर तैयारी होगी और तैयारियाँ देखिए बड़े जोरों शोरों पर चल रही है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको बुलाया गया है खासतौर पर, जो कि साफ़ सफाई के रख रखाव के लिए, जो कि पूरी ये छठ घाट है जहाँ पर जो व्यवस्था है उसको किस तरह से देखा जा रहा है। खासतौर पे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जेसीबी मशीन भी आई है यहाँ पर खासतौर पे, जो कि यहाँ पर जो कूड़ा था, मलबा था, उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो शासन के जो लोग हैं वो भी खासतौर पे यहाँ पर मुस्तैदी से साफ सफाई और जो व्यवस्था है खासतौर पे, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो जाने के कारण यहाँ पर किसी तरह से कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं उस नहर की जो छठ घाट है जहाँ पर छठ पूजा को लेकर काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नजर आ रहा है। हमारे साथ इंस्पेक्टर इंदिरापुरम भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए हैं, जायजा लेने के लिए आए हैं। सर, किस तरह से व्यवस्थाएँ पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है यहाँ पर? पुलिस व्यवस्था जो है, जो ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी वो पॉइंट देखे जा रहे हैं, बाकी साफ़ सफाई का जो कार्य चल रहा है
वो GDA की टीम के द्वारा कराया जा रहा है और बाकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी पुलिस के द्वारा और अच्छे से त्यौहार को संपन्न कराएंगे। जैसा कि भीड़ काफ़ी होती है तो उसको लेकर किस तरह से पुलिस व्यवस्थाओं को काबू में रखेगी, कितने तरीके से पॉइंट बनाए गए हैं जो पुलिस मुस्तैदी से रखे, क्योंकि बहुत अराजक तत्व के लोग भी यहाँ पर शामिल होते हैं, पटाखेबाजी होती है, कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है, तो इसको लेकर किस तरह से पुलिस मुस्तैद रहेगी? पुलिस एकदम मुस्तैद रहेगी और यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल रहेगा, ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा और अच्छी तरह से सकुशल त्यौहार को संपन्न कराएंगे। देखिए त्यौहार बड़ा है उसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं जो भीड़ में मौके का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं बदतमीजी जैसी नौबत आ जाती है उस पर भी काफ़ी नज़र रखी जाएगी, खासतौर पे जो ट्रैफिक है ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो सर्विस रोड है जहाँ पर जो जितने भी छठ पर्व मनाने के लिए लोग आएंगे उनको लेकर खासा यहाँ पर ये रोड है जिसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, कई पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसको लेकर खासतौर पर जो ये पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर जो छठ का पर्व है खासतौर पर जो लोग छठ पूजा बड़े उत्साह से मनाते हैं उसको लेकर खासा ध्यान रखा गया है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो इस समय पर सफाई अभियान जो है काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रहा है छठ पूजा का। हालांकि जिस तरह से छठ पर्व के मौके पर यहाँ पर जो भीड़ उमड़ती है उसको भी एक खासा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई थी, ये जालियाँ लगाई गई थी कुछ पॉइंट्स की, ये जालियाँ भी तोड़ी गई हैं क्योंकि लोग यहाँ से जो अपने स्थान पर अपने जो पूजा स्थल है वहाँ पर जाकर छठ पर्व का त्यौहार सकुशल बढ़िया से मना सके। गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा प्राइम TV के लिए। हमारे साथ गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपने घाटों का निरीक्षण किया, वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनसे भी आपने बात करी, आपकी नज़र में जानना चाहेंगे कि वहाँ पे महिला बड़ी संख्या में आएंगी, सूर्य की उपासना करेंगी, तो वहाँ पे उनके बैरिकेडिंग की क्या व्यवस्था की गई है और उनके नहाने के बाद चेंजिंग रूम के लेकर क्या व्यवस्था वहाँ पे इस समय प्रशासन ने करी है वहाँ पर? देखिए मनीष, इस वक्त हम जो छठ घाट पे मौजूद हैं जो गाज़ियाबाद का दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ खोड़ा कॉलोनी है, जहां पर देखिए आप किस तरह से सफाई कर्मचारी यहां पर लगातार जो साफ सफाई है रख रखाव है उसकी देखरेख कर रहे हैं। यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये वो छठ घाट है, हालांकि जिस क्षेत्र में ये छठ घाट आता है खोड़ा कॉलोनी गाज़ियाबाद, जो कि काफी भारी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं जो बिहार पूर्वांचल के लोग रहते हैं, खासतौर पर यहाँ पर भीड़ खासा देखने को मिलती है। वहीं हमारे साथ इस वक्त फूड इंस्पेक्टर मौजूद हैं नगर पालिका से, संजीव अवाना जी, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनको छठ पर्व को लेकर खासतौर पे। संजीव जी, किस तरह से तैयारियां की गई हैं इस बार छठ पर्व को लेकर के और महिला सुरक्षा के लिए खासतौर पे और महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम होगा, क्योंकि छठ पूजा करने के बाद जो महिलाएं यहाँ पर आएंगी स्नान करके, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? नहीं, सबसे पहले तो छठ पूजा की, छठ मैया की इस पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विशेष दिशा निर्देश भी इसमें दिए गए हैं, साफ सफाई से लेकर और जितनी भी सारी व्यवस्था है, जिलाधिकारी महोदय गाज़ियाबाद द्वारा भी इसमें 2-3 मीटिंग ली जा चुकी है और हमारे चेयरमैन साहब और UO साहब के विशेष निर्देश है। यहाँ पिछले लगभग 1 सप्ताह से काम चला हुआ है, ये नहर का क्षेत्र निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आता है खोड़ा मकनपुर के, और निकाय स्तर से यहाँ सभी व्यवस्थाएं कीजिए, साफ सफाई से लेकर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था है, पानी के टैंकर की व्यवस्था रहेगी और नगर पालिका का यहाँ एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, उसमें CCTV और जगह जगह कैमरों की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई घटना नहीं घटाई जा सके। विशेष बात यह है, मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ एक नहर पर क्योंकि यहाँ पानी हो जाएगा इकट्ठा तो यहाँ एक बैरिकेटिंग भी व्यवस्था पालिका की ओर से की जाएगी और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अनाउंसमेंट आदि की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई घटना ना हो सके। पूरी व्यवस्था है, सभी श्रद्धालुओं का यहाँ इस पे तट पर स्वागत है। तो देखिए मनीष, ये थे हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर जो खोड़ा मकनपुर के यहाँ के अधिकारी हैं, जिन्होंने खासतौर पर बताया है कि यहाँ पर हर तरह की वो व्यवस्थाएं की जाएंगी जिसको लेकर किसी को असुविधा ना हो, खासतौर पर महिलाओं के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया जाएगा और मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो सभी पहलुओं पे सभी पर नजर रखी जाएगी, तो खासतौर पर खासा इंतजाम किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, लेकिन अभी फिलहाल में वो इंतजाम साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि अभी शाम तक में ACM 3rd भी मौजूद थे यहाँ पर, जो कि इंदिरापुरम से लेकर यहाँ तक के पूरे घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अभी व्यवस्थाएं जो हैं आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ये जो छठी मैया की जो एक मूर्तियां बनाई गई हैं देख सकते हैं, ये मूर्तियां बनाई गई यहाँ से लेके और ये आगे तक का जो घाट है ये गाज़ियाबाद की सीमा लगती है, उसके आगे से जो सीमा है वो दिल्ली की सीमा लगती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से जो फूड इंस्पेक्टर है उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन हालांकि अभी कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। हाँ, हो सकता है कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिले। हमारे साथ यहाँ के संघर्ष सेवा समिति के एक अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय
जो लगातार निरंतर हर एक गरीब लोगों के साथ हो या किसी भी अन्य समाज सेवी जो भी काम हो उससे जुड़े रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान करते हैं। अध्यक्ष जी ये बताएं कि यहाँ पर छठ का पर्व जो है बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है, हालांकि बिहार पूर्वांचल के लोग यहाँ खासा भीड़ उमड़ती है, तो किस तरह से व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखिये, छठ एक लोक आस्था का महापर्व है, इसमें हमारे बिहार पूर्वांचल सहित पूरे विश्व में लोग छठ पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अभी व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की गई है, हालांकि पूरी व्यवस्था नहीं है मेरे हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नगर पालिका की तरफ से काफी व्यवस्थाएं की गई हैं और की जा रही हैं। मेरे हिसाब से आज शाम तक या कल शाम तक व्यवस्थाएं पूरी करके जो भी छठ पर्व में या तो श्रद्धालु हैं या जो देखने आते हैं पूजा मनाने आते हैं उनकी मेरे हिसाब से पूरी व्यवस्था की जाएगी, और जो रह जाएगी वो हमारा रहेगा, हमारे संस्था के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को दी जाए। जैसा कि फूड इंस्पेक्टर संजीव अवाना जी ने बताया है कि महिलाओं के लिए खासतौर पर जो नहा के निकलेंगी उनके लिए चेंजिंग रूम बनेगा और सीसीटीवी के द्वारा यहाँ पर निगरानी भी रखी जाएगी, कोई गलत गतिविधि ना हो इसको लेकर खासा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, पिछली बार भी देखने को मिला था कि अवांछित तत्व वगैरह जो होते हैं ये इसके लिए क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो पिछली बार भी की गई थी, बढ़िया व्यवस्था थी नगर पालिका की तरफ से, और मेरी ये आशा है इस बार भी नगर पालिका परिषद के अधिकारीगण मौजूद रहेंगे, अच्छी व्यवस्था रखेंगे, इन चीजों पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए मनीष, साफ तौर पे यहाँ पर जो संघर्ष सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी खास तौर पे बताया है कि यहाँ पर हर एक वो व्यवस्था की जाएगी जो अगर नगर पालिका नहीं कर सकती है, लेकिन अध्यक्ष हैं जो जिन्होंने खासतौर पे जो फूड इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सभी वो व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी जिसमें किसी भी अन्य व्यक्तियों को जो यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे जो पूजा करेंगे, उनको किसी तरीके का सामना असुविधा का सामना ना करना पड़े, खासा ध्यान रखा है। देखिए अब ये पानी से छिड़काव किया जा रहा है, नगर पालिका की गाड़ी आई है, यहाँ पर डस्ट होता है, उस डस्ट को लेकर खासा यहाँ पर देखिए नगर पालिका की गाड़ी लगातार निरंतर यहाँ पर जो डस्ट है उसको बैठा दिया जाए, उसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो लगातार निरंतर अभी समय है, समय को देखते हुए अभी साफ सफाई का अभियान यहाँ पर लगातार जारी है, धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पूर्ण रूप से कर ली जाएंगी। जी सर मनीष। प्रवीण, डेंगू की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लोग काफी ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, इसको लेकर तो वहां पे फॉगिंग की क्या व्यवस्था की गई, छिड़काव की क्या व्यवस्था वहां पर आपको देखने को मिली है और अधिकारियों ने इसमें क्या बताया? जी बिल्कुल मनीष, देखिए डेंगू का जो खतरा है लगातार निरंतर बढ़ा हुआ है, हालांकि देखिए गंदा पानी है यहाँ पर भी, जिस तरह जी हाँ मच्छर हैं वो पैदा होते हैं। आपसे अब संजीव जी हैं हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि फॉगिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर यहाँ पर लगातार जिस तरह से डेंगू के मरीज निकल कर आ रहे हैं, डेंगू की जो बढ़ रहा है तो उसको लेकर फॉगिंग की क्या व्यवस्था की जा रही है नगर पालिका? नहीं, मैं आपको बता दूं विशेष रूप से इसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पिछले एक महीने से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की शुरुआत की जा चुकी है, और निकाय क्षेत्र में हमने रोस्टर बनाकर इसमें सारे में साफ सफाई प्रतिदिन अभियान चला जाता है, रात्रि में फॉगिंग की व्यवस्था है और दिन में एंटी लार्वा का दवा का भी छिड़काव किया जा रहा है। अभी रही डेंगू की बात, थोड़ा मकरपुर निकाय क्षेत्र में भी डेंगू का कोई पेशेंट आधिकारिक रूप से या जो हमें जानकारी मिली है अभी डेंगू का कोई पेशेंट नहीं आया है, और उम्मीद है कि इस तरह का कोई केस यहाँ बुखार का या फीवर का नहीं आएगा, क्योंकि प्रतिदिन हमारे द्वारा अभियान चला जा रहा है। और यहीं जहाँ छठ घाट पर यहाँ पर भी हमने फॉगिंग के लिए अभी फॉगिंग की सुविधा की जाएगी, रात में भी की जाएगी, कल दिन में भी की जाएगी और शाम को भी फॉगिंग की व्यवस्था की जाएगी, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नगर पालिका ने सभी पूरे एक इंतजाम कर लिए हैं, यहाँ पर फॉगिंग से लेकर लार्वा तक जो भी छिड़काव होगा उसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि डेंगू के मरीज अभी फिलहाल खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में गाजियाबाद में कम देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो छिड़काव है और जो फॉगिंग है वो शाम के समय से स्टार्ट कर दी जाएगी। जी मनीष। जी प्रवीण, छठ पूजा को लेकर आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं छठ पूजा पर्व बहुत ही एक बड़ा पर्व माना जाता है, बहुत ही श्रद्धा के साथ इस पर्व को महिलाएं मनाती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं, उसको लेकर पूरी व्यवस्था चाक चौवन करने के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके दिशा नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के माध्यम से अरविंद कुमार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर जहाँ भी पूजा किया जाएगा वहाँ पर बराबर इन सारी व्यवस्थाओं को किया जाएगा, सुरक्षा की व्यवस्था मुस्तैद रखी जाएगी, साथ ही वहाँ पर अर्पण कलश भी बनाया जाएगा जिससे वहाँ पर फूल अर्पण और चीज़ों का अर्पण करने में महिलाओं को सावधानियां और सुरक्षा भी महसूस हो, बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। गोरखपुर से हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गोरखपुर में छठ पर्व को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और वहां पे इस पर्व को मनाने के लिए महिलाएं कितना ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था वहाँ पर आपको घाटों पर देखने को मिल रही है? और
भाव से छठ पूजा को मनाती हैं। छठ पूजा की बात करते हैं तो इसमें आज से ही महिलाएं जो है वो चने की दाल और लौकी चिल्ली का चावल खा करके व्रत की शुरुआत करती है, क्योंकि लहसुन प्याज पूरी तरह से वर्जित होता है और ऐसे में पूरी तरह से इसके बाद से व्रत शुरू हो जाता है। और फिर यही एक ऐसा पर्व भी है जिसमें उगते हुए सूरज की और ढलते हुए सूरज की भी पूजा होती है, उसको अर्घ देती है महिलाएं और अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करती है। जिसकी जिसको मनोकामना पूरी होती है वो जो है इस पर्व को मनाती है, जाता है और तमाम सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में महिलाएं अब करने लगी है व्रत। और इसको देखा जाए तो बिहार से उठ करके पूरे यूपी, दिल्ली, मुंबई, पूरे देश में ये फैल चुका है और पूरी तरह से इसकी व्यवस्था की जाती है हर तरीके से इसको मनाने के लिए। और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से कमर बांध लेता है और पूरी तरह से एकदम चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर देता है। हर जगह घाटों की, गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे श्रीराम घाट की बात करें या फिर गुरु गोरक्षनाथ घाट की बात करें या सूरजपुर घाट की बात करें, सूरजपुर के सरोवर की या फिर मानसरोवर की बात करें या फिर आप गोरखनाथ की बात करें, हर जगह जो है पूरी तरह से व्यवस्था कर ली जाती है। फॉगिंग व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई किया जा रहा है और लोग यहाँ पे अपने अपने जो है वेदियां बनाना शुरू कर दिए हैं। बच्चे आकर के वेदियां बना रहे हैं ताकि उनकी माताएं जो है आकर के यहाँ पूजा अर्चना कर सके। और हम खुद घाट पे खड़े हुए हैं, सूरजपुर घाट है और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यहाँ के जो संरक्षक है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर मैं संतोष मंच पार्टी संयोजक टूरिज्म विकास। तो यहाँ पे कितनी संख्या में महिलाएं आती है और क्या व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ लाखों की संख्या में महिलाएं आती है क्योंकि यह सूर्यकुंड धाम उत्तर भारत का प्रमुख सूर्य उपासना केंद्र है। मान्यता है कि त्रेता युग में राज्यारोहण के दौरान भगवान राम ने जब यहाँ विश्राम किया था और इस सात कुंडों वाले सरोवर में स्नान करने के पश्चात प्रभु राम ने यहीं इस सरोवर के उस पूर्वी हिस्से में जहाँ सूर्य मंदिर है वहीं पिंड स्थापित करके सूर्य देव की उपासना की थी और भगवान सूर्य का प्रकाट्य हुआ था। त्रेता युग से वर्तमान कलयुग तक के कई ऐतिहासिक कालखंडों में यह तीर्थ स्थल सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है, कम से कम उत्तर भारत का। 1993 में जब बिहार से चल के छठ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस परिक्षेत्र में पहुंचा तो सबसे पहले इसी स्थल पर 17 महिलाओं के साथ छठ महापर्व का आयोजन छठ महोत्सव के रूप में सूर्यकुंड धाम विकास समिति ने प्रारंभ किया। आज यह विराट छठ महोत्सव का रूप ले चुका है जहाँ लाखों की संख्या में महिलाएं, आप ये समझ लीजिए कि मतलब शहर के विभिन्न क्षेत्र ही नहीं पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों से, चूंकि सूर्य भगवान का यह प्रमुख केंद्र है इसलिए यहाँ का विशेष महात्म्य है। यहाँ लोग छठ व्रत करना चाहते हैं और भगवान सूर्यदेव उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पिछले 15 दिनों से यहाँ छठ महोत्सव की तैयारियां चल रही है, सारे मंदिरों की पेंटिंग से लेकर सफाई से लेकर सजावट से लेकर सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही है। छठ मैया की प्रतिभा की भी यहाँ स्थापना होनी है शिव मंदिर में। उसके सिवाय अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब नागरिकों के सहयोग से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम का विशेष सहयोग, अभी अभी नगर आयुक्त महोदय अभी यहाँ आए थे और उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया, हम लोग के साथ बैठक भी किया यहाँ पर। तो उम्मीद है कि पिछले वर्ष से भी अच्छा हर वर्ष यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन। देखा जाए तो यहाँ पे चूंकि जल है, स्थित जल है, ये कुंड होता है तो ऐसे में फॉगिंग की क्या व्यवस्था रही है, किस तरीके से इसमें छिड़काव किया गया है ताकि डेंगू का जो प्रकोप उसको रोका जा सके? डेंगू और मच्छरों का प्रकोप रोकने के लिए या पानी में जो भी इस तरीके के, हालांकि इस सरोवर में असंख्य मछलियां हैं, 40-40 किलो की बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो बहुत सारे तो भी खा जाती हैं, बत्तख भी इसमें डलवाए गए हैं वो भी खा जाते हैं। और उसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा इसमें इस पानी की चूना और ब्लीचिंग के माध्यम से लगातार सफाई की जा रही है 15 दिनों। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ सीनियर थे, उन्होंने बताया पूरी तरह से इसको जो साफ सफाई की जा रही है, हर जगह इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप नहीं लेना चाहते किसी तरह की कोई समस्या हो, क्योंकि महिलाओं को जल में उतर के ही शुरू को और ये आप यहाँ पे वेदियां बना रहे हैं बच्चे और जितने भी हैं और पूरी तरह से वेदियों को जो है बना करके इसमें पूरी तरह से अपने माँ के लिए इनकी माताएं आएंगी और पूजा अर्चना करेंगी, इनके लंबे आयु के लिए कामना करेंगी, क्योंकि जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वो माँ का जो है व्रत करते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं, क्योंकि माँ छठ की पूजा होती है और मूर्ति भी लगाई जाती है, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम भी होता है। आप ये पूजा के अवसर पर ये वेदियां आपने बनाई हैं और किस तरीके से वेदियां बना रहे हैं, किस तरह का उत्साह आपने देखने मिल रहा?
सर हम बहुत उत्साह से वेडिंग मना रहे हैं और ये त्यौहार जो हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा लगता है ये त्यौहार मनाने और ये व्रत मेरी मम्मी का और सर ये व्रत आज से चालू तो आज से ये व्रत शुरू हुआ है, लेकिन इसमें किस तरीके का जो है किस तरीके से व्रत करती है माताएं सर? इसमें जैसे आज 28 तारीख से हम लोग का ये छठ त्यौहार मतलब शुरू हुआ है तो आज 28 तारीख को वो लोग आती है खाती है खाने में लौकी का सब्जी और चना का दाल और चावल और आज खा करके वो लोग मेरा जल व्रत करती है और 30 तारीख को हम लोग का शाम वाला सूर्य अर्घ होता है और 21 को मॉर्निंग तो बिल्कुल बता दें कि बहुत कठोर ये व्रत है, बहुत कठिन व्रत है जिसको महिलाएं रहती हैं, माताएं अपने बच्चों के लिए रहती हैं और आपको पूरी तरह से बता दें कि इस व्रत में पूरी तरह से जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए दीर्घ आयु के लिए सूर्य की उपासना करती हैं, सूर्य का व्रत करती हैं और माँ छठी को ये मनाती हैं कि उनके बच्चे की जो है आयु लंबी हो और ऐसे में जल में उतर करके सूर्य को अर्घ देती हैं और नीरा जल व्रत रहती हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज से लेकर के परसों तक नीरा जल व्रत रहेंगे और परसों भी इसका जो है ध्यापन होगा पूजा पाठ के बाद। समय थोड़ा सा कम है, बस एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि चेंजिंग रूम को लेकर वहां पे क्या व्यवस्था की गई है और दूसरा जो प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जो भी अर्पण किया जाएगा फूल माला जो भी अर्पण की जाएगी सूर्य नारायण को उसका व्यवस्था करने के अर्पण कलश बनाया जाएगा, क्या वहां पे ये व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ अर्पण जितने भी घाट बने हैं वहाँ पे पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था रखी जा रही है, जितने भी माला वगैरह अर्पण किए जाएंगे उनके रख रखाव के लिए और चेंजिंग रूम की बात करें तो उसके लिए भी प्रशासन जो है व्यवस्था कर रहा है ताकि जितनी भी महिलाएं हैं उतरते हैं स्नान ध्यान करती हैं तो वो माताएं जो है पूरी तरह से चेंजिंग रूम की उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी जहाँ पे महिलाएं भी रहेंगी सादे ड्रेस में रहेंगी बाहर से पूरी तरह से निरीक्षण करेंगी और तमाम जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे रखे गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से रखे गए हैं और कोर्ट को जो है सादे और वर्दी दोनों में ही कोर्ट यहाँ तैनात रहेगी, वर्दी में पुलिस वाले जो है पूरी तरह से चौकस रहेंगे जबकि सादे वर्दी में जो है बीच में पब्लिक के घुलते फिरते रहेंगे ताकि इससे पता चल सके कि किसी तरह की कोई भी अराजक तत्व किसी तरह की कोई घटना को अंजाम ना दे सके। जी मानशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी के रूप में यहाँ पर कानपुर में 26 स्थानों पर मतलब छठ पूजा का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो जो पनकी की छठ है वो हमारे उत्तर प्रदेश में नंबर एक की छठ होती है। हमारी संस्था इतना और हमारे अध्यक्ष का निर्देशन ये रहता है कि संस्था एकजुट होके कर्मठ होके हम 15 दिन एक महीना पहले से अपने कार्य में लग जाते हैं। यहाँ हमें किसी की वो नहीं रहती है कि ये आएंगे तो सफाई होगी, हम यहाँ पर अपनी लेबर लगा के और जो हैवी कूड़ा है उसके लिए नगर निगम की गाड़ियाँ, हमारी महापौर जी, हमारे सांसद और विधायक, हमको सबका भरपूर प्यार मिलता है, हमारी क्षेत्रीय जनता, हमारी कमेटी, सभी लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिलता है। हमारा ये 47वां वर्ष है और हम इसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे हर साल की तरह। यहाँ हर साल की अपेक्षा इस साल उससे ज़्यादा ही व्यवस्था की गई है और यहाँ घाट पे सफाई से लेके और ये वेदी बनाने से लेके और सीढ़ियाँ तक और सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था सारी चीज़ पहले से बेहतर ही किया गया है और हमारी कमेटी की सोच हमेशा ये रहती है कि हर साल कुछ अच्छा और नया करें जिससे आने वाले व्रती महिला और पुरुष लोग को भी सुविधा मिले और वो लोग हर्षोल्लास से सौहार्दपूर्ण त्यौहार मना सके। मैं वार्ड 23 यहाँ से मैं पार्षद हूँ और यहाँ पे निरंतर 15 दिनों से साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं और ये 35 साल से प्रोग्राम चल रहा है। तो इस बार जो छठी व्रती महिलाएं आएंगी उनकी सुरक्षा व्यवस्था या पानी में किस तरह से रस्सी लगाकर कोई हादसा ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था है? प्रशासन ने गोताखोर की व्यवस्था की है और बाकी रस्सी मंगाई गई है, नाव की व्यवस्था की गई है और हमारे वॉलंटियर भी रहेंगे यहाँ जो अपने टीम के हैं। हमारे साथ प्रयागराज से पवन पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज में छठ पूजा की क्या धूम आपको देखने को मिल रही है और वहाँ पे क्या व्यवस्था है? सबसे पहले जानना चाहेंगे वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कितना पुख्ता है? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में चूंकि कुंभ और महाकुंभ जैसे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे धार्मिक आयोजन होते आए हैं तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। अगर बात की जाए घाटों की तो जिले के SSP शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री और तमाम आला अधिकारी लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हाल ही की बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले जिस घाट पर अभी मैं मौजूद हूँ यहीं पे अभी जिलाधिकारी और SSP प्रयागराज आए थे, वहां पर इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं
साफ सफाई की तमाम वो व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही है। चूंकि संगम नगरी प्रयागराज में अभी हाल ही की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले बारिश की वजह से जो बाढ़ का पानी है वो घाटों पे काफी दूर तक था। ऐसे में जो घाट है वहां पे काफी दलदल और कीचड़ है और लगातार प्रशासन जो है साफ सफाई की व्यवस्था में लगा हुआ है और घाटों की तैयारी कर रहा है। चूंकि छठ पर्व को लेके अगर कहा जाए तो छठ पर्व तो पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन अभी जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जो लोग हैं वो लगातार छठ पर्व को लेके उनकी जो उत्सुकता है वो देखते हुए बनती है और घाटों में तमाम तरह की तैयारियां देखी जाती है और संगम नगरी प्रयागराज में भी छठ पर्व को लेके लोगों में खासा उत्साह है और लोग पूरी तरह तैयारियों में लगे हुए हैं। घाटों की तैयारियां की जा रही है और घाटों की साफ सफाई की जा रही है। कहा जाता है कि छठ पर्व संतान के लिए और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, तो जो छठी महिलाएं हैं वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बाजारों में अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है, तमाम तरह की लोग खरीदारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो छठ पर्व को लेकर प्रयागराज में लोगों की खासी तैयारी नजर आ रही है। जी मनीष, पवन नायक है में जब महिलाएं सुबह सूर्य नारायण को अर्घ देंगी उसके बाद स्नान करने के बाद उनकी चेंजिंग रूम की क्या व्यवस्था वहां पे देखने को मिल रही है? दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर फॉगिंग की, क्योंकि मच्छर डेंगू का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां की छिड़काव की क्या व्यवस्था हुई है, फॉगिंग की क्या वहां पर आपको व्यवस्था देखने को मिल रही है? अभी मैंने बताया कि लगातार जिले के आला अधिकारी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, फॉगिंग की व्यवस्था की जाए या महिलाओं के कपड़े बदलने की व्यवस्था की जाए उसकी लगातार तैयारियां की जा रही हैं और साफ सफाई की जा रही है। चूंकि लगातार जो डेंगू का प्रकोप है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में फॉगिंग की जो व्यवस्था है वो घाटों पे की जाएंगी और महिलाओं और बच्चों के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है कि घाटों पे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और लगातार पुलिस के जवान मुस्तैद है, सिविल डिफेंस की टीमें मुस्तैद है, एलआईयू की टीमें मुस्तैद है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और छठ पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। जी मनीष, पवन रूट की व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था देखने को आपको मिल रही है कि महिलाओं को आने जाने में समस्याओं का सामना न करना पड़े? चूंकि संगम की बात की जाए या प्रयागराज के अन्य घाटों की बात की जाए तो लगातार चूंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में प्रयागराज के जो यमुना घाट है वहां पे कार्तिक मास के दौरान हजारों श्रद्धालु हर रविवार को स्नान के लिए आते हैं। माना जाता है कि कार्तिक मास में यमुना स्नान का अपना एक पौराणिक महत्व है, ऐसे में लोग जो है लगातार यमुना घाटों पे आते हैं। तो अगर घाटों की बात की जाए या रास्तों की बात की जाए तो लगातार जो रास्ते हैं उनमें दुकानें तरह तरह की सजी हुई हैं, मेले जैसा एक माहौल सा नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रूट की बात है अगर वो संगम की बात की जाए तो संगम, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि संगम में अभी आने वाले दिनों में माघ मेले का आयोजन होना है, ऐसे में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं संगम तट पे, तो रूट के लेके किसी तरह की अभी तक कोई भी व्यवस्था या कोई भी परेशानी अभी तक नहीं देखने को मिली है। हालांकि छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानी है वो बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो घाटों के काफी आगे तक था, तो घाटों पे जो कीचड़ है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को परेशान करेगा। जी मनीष, पवन एक प्रश्न आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि वहां पे प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है कि जो अर्पण कलश बनाया जाएगा जहां पे जो महिलाएं होंगी अपना सूर्य अर्घ नारायण को अर्घ देंगी ताकि वो जो फूल होंगे या जो भी सामग्री होगी वो जगह जगह फैली नजर ना आए, इसको लेकर वहां पे आपको क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिये नगर निगम पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और जो सफाई कर्मचारी है वो लगातार घाटों पे कार्य करते हुए अभी तक नजर आए हैं, तो निश्चित रूप से जो सफाई व्यवस्था है वो नगर निगम की जिम्मे पे है और नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है। नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार घाटों पे सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से जो आपका सवाल है कि जो फूल या अन्य जो चीजें पूजा सामग्री है जो श्रद्धालु आते हैं जो छठी आएंगे वो किस तरीके से घाटों पे बिखेरते हैं या किस तरीके से उसको एकत्र किया जाएगा, तो जो नगर निगम की टीमें हैं वो लगातार साफ सफाई की व्यवस्था में लगी हुई है और निश्चित रूप से मैंने पहले बोला कि जिस तरीके से जो घाटों पे थोड़ी सी अव्यवस्था है बाढ़ के पानी की वजह से वो नगर निगम के जिम्मे पे और लगातार नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो घाटों की सफाई कर रहे हैं, जो फूल पत्तियां उनको भी इकट्ठा करने की व्यवस्थाएं की गई है। जी मनीष जी, पवन इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्सुक नजर आ रही हैं और अपनी पूरी श्रद्धा भाव के साथ छठ पर्व को मना रही हैं। आज से नहाए खाए की शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह घाटों पर साफ सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं, फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है, छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है, रोडों को दुरुस्त कर दिया गया है ताकि आने वाली महिलाओं को और छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले परिवारों को भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और गाजियाबाद से वहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और इस महापर्व को मनाने के लिए एक हर्षोल्लास सभी महिलाओं में देखने को मिल रहा है।
फिलहाल छठ पर्व को मनाने के लिए देश भर में, प्रदेश भर में हर तरफ खुशियों की लहर नजर आ रही है। महिलाएं बहुत उत्सुक हैं इस छठ पर्व को मनाने के लिए। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है छठ पर्व में पूरी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर। फिलहाल इस खबर में हमारे पास यहीं तक। देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।